गुड मॉर्निंग गाइस। भाई आज बड़ा बढ़िया दिन है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है और आज हम एक टेस्टिंग करने वाले हैं। आज से मतलब 3-4 दिनों के लिए, जब तक भी आज हम टैंक को फिल कराएंगे इस गाड़ी का। भाई बहुत ही मतलब वर्ड्स नहीं है, इतनी बढ़िया एवरेज सोची नहीं थी। भाई 10 से भी नीचे की एवरेज दे रही है लोकल में। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई कहीं अभी ट्रिप तो प्लान नहीं कर रहे हैं। आप उम्मीद है लद्दाख वाली जो वीडियो चल रही है वो आप देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखिए आप और कमेंट कीजिए आपको कैसी लग रही है वो वीडियो। और आज आप बिल्कुल, इसका टैंक खाली हो चुका है। इसमें कितना किलोमीटर दिखा रहे हैं अभी दिखाता हूँ मैं, कितना आप चल सकती है ये। बट बेल्ट लगा लीजिए, तो एक मिनट जी, पहले इसकी बेल्ट लगा लेते हैं। ऐसे है जी, गाड़ी में ड्राइव कर चुका हूँ 11,589 किलोमीटर। और मुझे जो लगता है कि जो मैंने देखो स्टार्टिंग से कैलकुलेट तो किया नहीं कितना अमाउंट का मैंने इसमें डीजल फिल करा लिया है, पर मुझे लगता है कि 1 लाख प्लस जा चुका है जो डेली डेली इसमें भाई डीजल ही फिल कराते रहो। तो आज फिल कराता हूँ और एक टैंक में कितनी चलती है कितने लीटर में, और वो आपके साथ शेयर करता हूँ लोकल यहाँ पर भाई अपने गुड़गांव में घूमते घूमते। क्योंकि हाईवे पे चलती है तो आपको पता ही कि ये 12 या 13 की मैक्सिमम एवरेज इसको निकालती है, ये मेरा जो अनुमान है और बाकी कह नहीं सकते। पर आज से कैलकुलेट करेंगे 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में जितना भी भाई डेली रनिंग होती है अप एंड डाउन ऑफिस से कितना है चल पाती है। भाई ये कितनी चल सकती है आप देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल डैश डैश 0-0। अभी इसमें बिल्कुल डीजल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो अभी डीजल भाई टैंक फिल कराते हैं और फिर बताते हैं कितना लीटर आया है इसमें। डीजल टैंक कर दो जी फिल एकदम एकदम है इसमें 0-0, बिल्कुल डीजल नहीं है। हाँ जी दिखाओ जी, ऐसे नजर नहीं आ रहा। हाँ जी चलाओ। आ गया जी डीजल 4603 रुपये का, 51 पॉइंट। और डीजल भाई बिल्कुल फिल हो चुका है देख लो, पर थोड़ा नीचे चला गया, कोई नहीं पूरा फुल है भाई टैंक। ट्रिप ए और बी दोनों 0 कर दिया भाई, पर इसका डेली खुद ही हो जाता भाई, इसका लफड़ा क्या प्रॉब्लम है आज तक समझ में नहीं आई। खूब कंप्लेंट कर लिया मैंने, ट्रिप ए बी का तो कोई भरोसा नहीं है। वैसे 11,592 से हम भाई डीजल अब हमने टैंक फिल कराया है और रेंज बहुत कम दिखा रहा है, वो दिखाता हूँ आपको 548 ओनली। पता नहीं यार भाई इसमें कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है क्या है, नहीं कम से कम 600 प्लस तो दिखाता है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इसको भाई महिंद्रा में चेक कराऊंगा। इतनी कम तो पहले दिखा रहा है, तो और इससे तो काफ़ी कम चल रही है ये, या ये थोड़ी बढ़ेगी रेंज। टैंक तो एकदम फुल है एकदम, देखो आप। हेलो एवरीवन, भाई काफ़ी दिनों के बाद और 2 या 3 दिन भाई इतनी तेज़ बारिश हुई कि भाई पूरा गुड़गांव डूब गया था। जो क्या पहले अभी वीडियो देखी होगी आपने, भाई 2 दिन कहीं निकला ही नहीं मैं, और फिर भी मतलब गाड़ी लेके गए थे भाई फैमिली मेंबर और गाड़ी चल चुकी है कितनी अभी 198 किलोमीटर। और आज हम चल रहे हैं भाई मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है भाई हमें मॉडिफिकेशन का कितना शौक़ है, क्योंकि भाई नीड भी है हमारी, घूमते रहते हैं इधर उधर।
तो कुछ ऐसी चीज है जो कि भाई प्लान कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए जल्दी ही, क्योंकि भाई वेदर आपको पता है कैसा माहौल चल रहा है हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ सोचे वहीं पे ही बड़ी समस्या चल रही है भाई। मतलब मूड कर ही नहीं रहा कि भाई कहीं घूमने जाएं, पर घूमना भी है पर ऐसे भाई मजबूरी में क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम पर बहुत सारे पहाड़ इतनी बुरी तरह पूरा घर बह के जा रहे, जो नदी किनारे थोड़ा दूर भी थे वो गिरने लग रहे हैं। आपने भाई जगह जगह न्यूज़ देखी होगी, वो बड़ी टेंशन वाली बात हो रही है। तो जैसे वहाँ का माहौल ठीक होता है वैसे भाई निकलते हैं स्पीति की तरफ, एक दो फ्रेंड को बोल दिया है मैंने, और उसी के लिए आज एक बहुत ज़रूरी मॉडिफिकेशन करानी है, तो क्योंकि लंबा ट्रिप है और वहाँ पे कुछ चीज़ की भाई शॉर्टेज रह जाती है, तो वैसा रिस्क हमने लेना नहीं। तो अभी चल रहे हैं हम बिमरा पे और उनको ऑर्डर दे दिया है, तो वही 3 से 4 दिन हो चुके हैं उनके पास, उसका कुछ होता है क्या चीज़ होता है स्टैंड टाइप का क्या बोलते हैं, जाके उनसे डिस्कस करेंगे, तो वो बन नहीं पा रहा था, तो उनका कॉल आया कि आ जाइए, तो अभी चल रहे हैं भाई और वो इंस्टॉल कराते हैं। और जो आपको मैंने बताया था क्या चीज़ कि भाई ये कितना माइलेज क्या है इसकी, अपने लोकल में हम इधर उधर चलाते हैं गली गली में, तो वो इसका भी किलोमीटर का भाई वो कैलकुलेशन चल ही रहा है, वो ज़रूर आपको बाद में लास्ट में शेयर करेंगे। अभी 200 के आसपास चल गए जो कि मैंने बताया आपको, तो अभी चलते हैं बिमरा। ये जो चीज़ है ना टायर तो मैंने बाहर करा लिया, इसको स्पेसर लगाए हैं ना इससे, अभी पूरी गाड़ी भाई गंदी रहती है दोनों साइड। अब इसका मैं सोच रहा हूँ कुछ आपको अभी वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पास मोबाइल में है ये चीज़, कुछ ऐसा भाई हो जाए इसको बड़े फेंटर। हाँ बड़े फेंटर पर इसी जो है ना ये मटेरियल, हाँ बॉडी कलर में, ये ग्लोस में ही, मतलब बद्दी ना नजर आए। वो थार वगैरह में तो चल जाती है, वो तो अच्छी लगती है, इसमें स्कॉर्पियो में अच्छी नहीं लगेगी वो चीज़। भाई बिमरा पे आ गए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो मेजर प्रॉब्लम चल रही है ना जो मैंने चीज इंस्टॉल करानी है ना वो तो हो जाएगी, 1.5 घंटा वेट करने के लिए कह रहे हैं, वो पावर कोटिंग हो रहा है उसका, चलो कोई बात नहीं। पर मेजर प्रॉब्लम भाई ये चल रही है मेरे साथ ना पिछले 2-3 महीने से, थोड़ा सा भी कीचड़ हो कहीं पे भी तो गाड़ी भाई ऐसी हो जाती है, पूरा कीचड़ गए टायर पूरा बॉडी पे आता है गाड़ी के। इसका देखते हैं भाई क्या सोल्यूशन निकालते हैं ये। भाई जो चीज़ आज इंस्टॉल करानी है ना आज करा के जाऊँ, वो कह रहे हैं भैया अभी उसकी जो माउंटिंग है ना वो पेंट हो रही है, पावर कोटिंग हो रही है उसकी, उसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। लगेगा तो भाई लगेगा, कोई टेंशन नहीं। जो ये फेंडर वाला जो बताया मैंने रियर फ्रंट का लेफ्ट राइट दोनों तरफ वो डिस्कस कर रहे हैं, तब तक एक और जगह है जहाँ मॉडिफिकेशन होती है अपने गुड़गांव में ही, वहाँ वो डिस्कस करते हैं भाई दोनों में रेट में कुछ फ़र्क आएगा या हो सकता है भाई क्वालिटी में या क्या पता ये कर पाएँ ना कर पाएँ। वहाँ पे भी मैंने एक जगह देखी है, वहाँ पे भी गाड़ी भाई मॉडिफाई होती है, तब तक ये जो पेंटिंग वर्क चल रहा है उसका चलने दो और एक जगह और अभी विजिट करके आते हैं, चलते हैं। कर तो लिया जी डिस्कस, पर ये देखो भाई लैंड क्रूजर खड़ी है यहाँ पर और कलर भी एकदम यूनिक ही है कुछ, और ये जो क्लैडिंग टाइप का भाई इन्होंने इसमें भी बाहर निकाली हुई है वो रियर टायर, उसमें देख लो इनकी भी ये प्रॉब्लम थी जो भाई जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सारी गाड़ी गंदी हो जाती है, इन्हें भी टायर भाई बाहर निकाले हुए हैं। पर भाई गाड़ी बहुत महंगी है, ये देखो ये मेटल ये वेल्ड करके बिल्कुल इससे मिला दिया है भाई, पता ही नहीं लग रहा पेंट हुआ है क्या हुआ है गाड़ी के साथ आया है, और ये प्रॉब्लम है भाई हमारी गाड़ी है। देखो अभी थोड़े से पानी से आई थी, आपने वीडियो में देखा होगा, वो दोबारा कितनी और ज़्यादा गंदी होगी, गंदी तो थी पर और ज़्यादा गंदी होगी। ये देखो भाई लेफ्ट साइड से भी ये गाड़ी तो अच्छी लग रही है भाई, और इसके बारे में बताता हूँ अभी मैं। ये अलग ही भाई टेंशन की बात है। अब ये चीज़ जो मैंने दिखाई ना ये फेंडर के ऊपर जो 4 क्लैडिंग जो भी आप इसको बोलेंगे भाई, मेटल से पूरा लोहा कह रहे थे किस चीज़ का मटेरियल है जो, तो भाई इसको कह रहे हैं जब काम करेंगे तभी दिखा सकते हैं, पर पूरा मजबूत ठोस है एकदम, अगर कहीं टच भी होगा तो टूटने वाला नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत स्क्रैच लगेगा तो उसको रिपेंट हम कर देंगे, पर ये कह रहे हैं भैया आप ऐसा करो मैं आपको एडवाइस ये करता हूँ कि अपने एलॉयज ही चेंज करा लो, इससे अच्छा तो एलॉयज जो स्पेशर है वो हटाओ, जो इसका PCD है उसके अकॉर्डिंग जो एलॉयज आते हैं वो इंस्टॉल करा लो इसमें, नहीं जो ये 4 फेंडर के क्लैडिंग टाइप का बनाएंगे जिस भी मटेरियल में बनाएंगे इससे ज़्यादा खर्चा आ जाना उसमें, ये बड़ी भाई प्रॉब्लम है। मैं तो सोच रहा था कि 20-30 हज़ार रुपये लगा के या 40-50 हज़ार रुपये लगा के भाई वो शौक भी पूरा हो जाएगा, गाड़ी भी मॉडिफाई हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम है इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा।
अब ये कह रहे हैं जी एलॉयज ही चेंज कर लो। अब मैं इनको क्या बताऊं, एलॉयज मेरे इतने महंगे हैं, कहाँ से चेंज कर लूं मैं इनको भाई। अब दोबारा बिमरा पे चलते हैं, वो क्या खर्चा बताते हैं, और इन्होंने जो इन्होंने बताया तीन पास, ये बोले जी आप रहने दो, ये खर्चा इस गाड़ी पे मत लगाओ। हमारे पास हाइलैक्स आती है और वो इसुजू की गाड़ियाँ आती है, वो डी मैक्स और वो गाड़ियाँ, उन पे तो देखो लगाना उचित है, वो ज़्यादा ही भाई बनी उस चीज़ों के लिए। तो फिर देखते हैं भाई बिमरा वाला भाई क्या कहते हैं, फिर बताते हैं आपको। और थोड़े से पानी में गई और देखो क्या, इसमें एबीएस चेक, एबीएस का अलर्ट आ गया भाई, इसमें चेक एबीएस सिस्टम, इसके भाई ड्रामे इस गाड़ी के। तब तक काम चल रहा था, ये जिमनी को देख रहा हूँ भाई, ये तो हद कर दी, क्या बना दिया ये, बहुत बकवास गाड़ी भाई, बहुत बकवास। देखो कितनी छोटी है, ये देखो कितनी छोटी, बस ज़्यादा ही नीची गाड़ी है, देखना कैसे बैठेंगे इसके अंदर भाई। शोर बहुत है यहाँ पे, उस चीज़ के लिए भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें यार, गाड़ी भाई छोटी सी भी, लेंथ में भी, हाइट में भी बहुत कम, और वैसे बहुत हल्की सी दिख रही है, तो पता नहीं क्या बना दिया भाई। थार से कहाँ कम्पीट कर पाएगी, मतलब ही नहीं, थार के कंपटीशन में तो आसपास भी नहीं है भाई ये काम। भाई एक नंबर का करते हैं, देखो आते ही अपना ये लगा देते हैं, जेरिकैन 20 लीटर जेरिकैन माउंटिंग। हाँ जी लगा दो, ये लगे जी माउंटिंग, और अब जेरिकैन फिट हो रही है। आज जी हमारा फोर्थ डे, जो कि हमारी टेस्टिंग चल रही है भाई इसका माइलेज की, और कल आपने भाई कल की वीडियो देखी होगी, उम्मीद है इसी वीडियो में भाई एक साथ ही दिखा रहे हैं, क्योंकि माइलेज टेस्ट चल रहा है कि यहाँ पे कितनी माइलेज देगी। डेली बताता हूँ सुबह उठते ही मैं कि भाई क्या चेक कर रहे हैं हम। तो कल भाई जेरिकैन फिट कराया है, इस पर इंस्टॉल कराया है, क्योंकि भाई मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई स्पीति वैली जाना है मैंने, पर वेदर भाई हमारे साथ नहीं है, इतना भाई जगह जगह प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ एक हफ्ते बाद करते करते इतने दिन हो गए, और वेदर आज सुबह भी देखो सुबह से बारिश हो रही है, ये देखो जी ये बारिश ही बारिश भाई, डेली बारिश हो जाती है, पूरा गुड़गांव तो भरी जाती है, दिल्ली तो पूरा भर गया भाई, वहाँ तो वो चल रही है, बोट चल रही है रेस्क्यू टीम चल रही है वहाँ पर। अरे देखो पिंक कलर की बस, बिल्कुल नई चीज़ देखी भाई। तो मैं अब ये बात सोच रहा हूँ कि चलो भाई उधर नहीं जा सकते, उत्तराखंड का ऐसी सिचुएशन है, हिमाचल की ऐसी सिचुएशन है, तो मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिप मॉर्निंग हिल्स का बन जाए, तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएं भाई ये चीज़ ठीक रहेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ इतनी हाइट पे भाई वो पहाड़ नहीं है, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि अपने ज़्यादा दूर नहीं है वो। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है और आपका भाई इंटरेस्ट है वहाँ की वीडियो देखने का, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं दो तीन दिन में वहाँ पे निकल जाऊंगा। मॉर्निंग हिल्स आपको बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है छोटा सा, तो वहाँ की वीडियो भाई दिखा देंगे, और आपको भी कभी भाई हो वहाँ का विचार तो आप भी घुमाना। और बच्चों ने भाई पूरा मज़ा लिया है लद्दाख ट्रिप का, और कल हमने वो डाली थी वीडियो, वो आप देख लीजिए कौन सी, जो एक्सपेंसेस कितना खर्च हुआ था हमारा भाई। हम सोच रहे थे कि बजट हमारा कम रहेगा, गाड़ी में रहेंगे, पर भाई अकॉर्डिंग टू वेदर सारी कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वो तो भाई कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। कैंपिंग वाला रहेगा, कैंपिंग वाला जो हमारा प्लान था ना, जो पूरा हम सेटअप लेके गए थे, पर कोई बात नहीं भाई, मॉर्निंग हिल्स जाएंगे वहाँ देख लेंगे, और नहीं तो फिर स्पीति तो जाना ही है, वहाँ तो करना ही करना है, और तो कैंपिंग करनी है भाई, पूरा खर्चा बचाना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज है जी शिवरात्रि, आज मंदिर चलते हैं भाई, और आज अभी टाइम हुआ है 7 के करीब करीब भाई सुबह के, पहले मंदिर चलेंगे, और आज का दिन भाई बहुत मेहनत भरा होने वाला है। आज जाना है जमुना पार, दिल्ली भाई पूरा पानी से भरी हुई है, पर भाई बहुत ज़रूरी काम है, चलेंगे, और बाकी पहले मंदिर वो आते हैं फिर शेयर करते हैं आज के भाई दिन में क्या क्या करना है। पहुँच गए जी, जैसा कि मैं सुबह आपको बता रहा था, ये देखो पानी भाई ज़्यादा ही ऊपर आ चुका है, देखो हाईवे ये रहा, और ये पानी, ये यहाँ पे तो भाई पानी हुआ ही नहीं करता कभी, यहाँ तो इनका भाई ये पब्लिक रहती है यहाँ पे, मतलब ऐसे मकान बना के, और ये देखो भाई कितने ऊपर पानी आ चुका है, सही कह रहे हैं भाई, और ये कावड़े जा रहे हैं भाई सब, शोर मचा रखा है भाई, चलो जय हो बोल रहे की भाई। वाटर लेवल ज्यादा ऊपर आ चुका है, क्यों देखा मम्मी, मम्मी भी कह रही इतनी ऊपर पानी भाई कैसे आ गया, बहुत ज्यादा भाई ऐसा लग रहा है, और ज्यादा अगर दो दिन बारिश होगी ना दिल्ली में, तो इसी हाईवे पे पानी मिलेगा, इतनी ऊपर पानी आ चुका है।
दिल्ली तो वैसे डूब चुकी है और दो दिन से बारिश रुकी हुई है, जब ऐसा थोड़ा सा रिलीफ है भाई, बड़ा आपकी बार तो ज्यादा ही बुरा हाल हो रखा है। एक बात तो है भाई, देखो जिस दिन ऑफिस जाना हो ना उस दिन थोड़ा सा टाइम घर के मतलब घर पे मिल भी जाता है कि घर का काम करना है ऑफिस का काम करना है। आज दो दिन है भाई छुट्टियां हैं और इतना बिजी, सुबह से भाई दिल्ली गया आपने देखा और अब दोबारा भाई अपना इंटीरियर का कुछ काम कराना है उसके लिए दोबारा निकल पड़े हैं। छुट्टी वाला दिन तो बड़ा वो होता है कि सब सोचते हैं कि भाई रेस्ट करेंगे घर पे, और उससे भी ज़्यादा बिजी, कम से कम सुबह से ये लगा लो कि कितना 100+ गाड़ी चला चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि आज रात होते होते रात के 10-11 बजे तक 70-80 किलोमीटर और चल जाएगी, मतलब यहीं की यहीं आज 200 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी लोकल यहीं पे गुड़गांव में और दिल्ली अप डाउन में ही। कमाल की बात है। और हाँ एक और चीज, अब भाई ट्रिप फाइनल कर दिया मैंने अभी, वो जो बताया था वेदर कंडीशन, हर 2 मिनट में आप सुन रहे हो कि भाई वेदर कंडीशन, आज भी बारिश हो रही है भाई अभी भी फिलहाल, अभी दोबारा देखो वेदर कैसा होता है दिखा रहा हूँ कैसा हो चुका है। अभी चलेंगे भाई जो ट्रिप का कह रहा हूँ मॉर्निंग हिल्स भाई पास में है, वही मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा, वहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह हो नहीं रही पता कर लिया हमने, और ट्राई करेंगे कैंपिंग करने का भी। और इसका माइलेज टेस्ट चल रही है, आज रात को भाई इसका रिजल्ट आ जाएगा कितने इसने माइलेज दी है गाड़ी ने, और बाकी राशि को लेके नहीं जाऊंगा अबकी बार, इसकी भाई तबीयत खराब हो जाती पहाड़ों में, ऐसा कुछ नहीं है चलेगी तो देख अब भी अपना खाने पीने में लग रही है भाई, अपनी सेहत बना रही है अभी और कह रहे अबकी बार लद्दाख चल रहे हैं एक साल बाद, अपना पूरा अभी से अपना भाई वार्म अप स्टार्ट कर दिया इसने एक्सरसाइज वगैरह की, अब तबीयत खराब नहीं होने दूंगी, ठीक है भाई देख लेंगे हमारे तरह स्ट्रॉन्ग बनो। शाम का क्या टाइम हुआ है 6:38 और भाई आप देखो वेदर कैसा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आज भी बहुत तेज बारिश होने वाली है, अभी थोड़ा देर पहले हुई थी, थोड़ी देर हुई थी रशी, कितनी देर हुई होगी, थोड़ी सी बारिश हुई थी बहुत मतलब बहुत पर धीमी धीमी, पर अब लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है भाई। कर दो जी। हाँ डीजल टैंक भाई देखो फिल करा लिया, अब पता लग जाएगा कितने की एवरेज है, 4,252 लीटर, और अभी भाई कैलकुलेट करके आपको बताते हैं भाई कितनी माइलेज इसकी आई है, पर 5 दिन हो गया हमें ड्राइव करते करते, आज पता लगेगा। चलो जी ये देखिए जी हमने टैंक फिल करा के बिल्कुल, ये भाई ऐसा नहीं कि भाई हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, कैलकुलेट हमने कर लिया पर बताएंगे, 440 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है एक टैंक, मतलब उसमें अभी बचा हुआ था पर आज हम जा रहे हैं भाई कहीं पे वहाँ पे एवरेज बहुत कम देगी, इसलिए पहले हमने टैंक फिल करा के ये आपको बता देते हैं क्या इसकी माइलेज है। बट टैंक हमने फिल करा लिया जो कि मैंने बताया भाई, ये गाड़ी हमारी चलाई है हमने दिल्ली गुड़गांव में यहाँ पे 440 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था अभी, और इसने भाई माइलेज दी है 9.3 की, ये सबसे बड़ी कमाल की बात। देख लो भाई ये मेरी गाड़ी के साथ ही ऐसा है या मैंने पता नहीं ये टायर ओवरसाइज है या एलॉयज हैवी है या मॉडिफिकेशन मैंने कराई हुई है वो मुझे भाई प्रॉब्लम नहीं पता, जो भी है क्या रीज़न है उस चीज़ का, और गाड़ी हैवी है मॉडिफिकेशन की वजह से या टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, अब महिंद्रा वालों से भी डिस्कस करूँगा भाई। 9.3 की माइलेज, और हाईवे पे भी अभी प्लान करेंगे एक ट्रिप में, जैसा कि बता रहा हूँ आपके हाईवे पे तभी पता लग पाएगा कि हाईवे पे क्या माइलेज है इसकी, मुझे उम्मीद है पर मैं आपको बताता हूँ ये 12 या 13 की देगी वहाँ पे मैक्सिमम, यानी कुछ ना कुछ तो इसके साथ भाई टेक्निकल फॉल्ट है और या जो भी रीज़न है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो भाई इतनी माइलेज में तो चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा भाई, और डेली इतना डीजल कितना महंगा होता जा रहा है, तो अभी आज के लिए एक सस्पेंस है भाई, क्योंकि हमने डीजल जो टैंक फिल कराया है इसका उसका भी एक रीज़न है, अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर करने, वहाँ पे और ज़्यादा माइलेज इसकी कम हो जाती तो वो हमने करना नहीं चाहे इसलिए पहले करा लिया, तो अभी चलते हैं वो हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आप कल तक आप वेट कीजिए वो आपको दिखाएंगे भाई, आज मस्ती करने वाले हैं बहुत एकदम एडवांस लेवल पे, तो और तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी ड्राइव सेफ, भारत माता की जय।